Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. Hello, hello, hello. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जवानी जाने मन। ये एक बॉलीवुड मूवी है, सैफ अली खान मेन लीडिंग रोल में है। जवानी जाने मन बॉक्स ऑफिस में 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी और मूवी ने अपने फर्स्ट डे में एवरेज कलेक्शन किया था। अगर आप देखें सैफ अली खान की पहले की मूवीज़ यानी पिछली कुछ मूवीज़, तो उन मूवीज़ में सैफ अली खान अगर खुद मेन लीडिंग रोल में है तो उन्हें उतनी बड़ी ओपनिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन जवानी जाने मन ने एक अच्छी ओपनिंग ली है और उम्मीद यही है कि संडे में भी मूवी अच्छा कलेक्शन करेगी। लेकिन वो सब कुछ बताने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जवानी जाने मन को 31 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया गया। रिव्यूज़ अबव एवरेज है, यानी कि ज़्यादातर मूवी लोगों को पसंद ही आई है। स्क्रीन काउंट की बात करूँ तो मूवी को 1500 के आसपास स्क्रीन्स मिली है अपने पहले वीक में। और अगर बात करूँ मूवी के फर्स्ट डे के कलेक्शन की, तो मूवी ने अपने फ्राइडे में यानी कि अपने फर्स्ट डे में 3,24,00,000 का कलेक्शन किया। अपने दूसरे दिन में यानी कि सेकंड डे में 4,55,00,000 का कलेक्शन किया। यानी कि अगर आप देखें पहले दिन से और दूसरे दिन में ग्रोथ, तो अच्छी खासी ग्रोथ मूवी को देखने को मिली है। चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी के टोटल कलेक्शन की। तो मूवी का फर्स्ट टू डेज का टोटल कलेक्शन हो चुका है 7,79,00,000 इंडिया में नेट कलेक्शन। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी ने 9,90,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ मूवी ने जो अपने पहले दो दिनों में जो स्टार्ट लिया है वो अबव एवरेज स्टार्ट है। थर्ड डे की मैं बात करूँ यानी कि इस मूवी के कलेक्शन की, वो भी आज के दिन की, तो आपको पता है आज है संडे, आज होता है हॉलीडे, तो पहले दिन में मूवी ने कलेक्शन किया उससे अच्छा कलेक्शन मूवी ने दूसरे दिन में किया। अब दूसरे दिन में जो मूवी ने कलेक्शन किया है उससे अच्छा कलेक्शन मूवी अपने तीसरे दिन में यानी कि आज के दिन करने वाली है। कहीं ना कहीं अगर मूवी 5,50,00,000 के आसपास का कलेक्शन करती है तो मूवी का इंडिया में टोटल कलेक्शन हो जाएगा 13,29,00,000। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी 17,00,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन कम्प्लीट कर जाएगी। अगर इस मूवी को हिट होना है तो मूवी को लगभग 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी का जो बजट है वो लगभग 25 करोड़ के आसपास का बजट होगा, उससे ज़्यादा इस मूवी का बजट नहीं है। तो वही बात है कि अगर मूवी को हिट होना है तो मूवी को कम से कम 35 करोड़ का कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। अगर मूवी उससे ज़्यादा कलेक्शन करती है इंडिया में तो ये ऑटोमेटिकली हिट सुपरहिट ब्लॉकबस्टर के वर्डिक्ट इस मूवी को मिलता रहेगा। आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और आपको क्या कहना है जवानी जाने मन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में? अगर आपने ये मूवी देख लिया तो आपको ये मूवी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।